सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। आज आपके सामने है हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक का एकदम लेटेस्ट मॉडल जो कि E20 अपडेट के साथ आता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस बाइक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो शुरू करते हैं बाइक के फ्रंट से। तो अब यहाँ पर आपको DRLs के साथ स्प्लिट LED हेडलैम्प का सेटअप दिया जाता है। पहले इसमें हेलोजन का सेटअप आता था दोस्तों, हीरो का 3D लोगो के साथ। नीचे आपको थोड़ा सा क्रोम ट्रीटमेंट भी देखने को मिल जाएगा। वाइजर भी पूरा आपको न्यूली डिज़ाइन ही मिलता है, जिसके साइड में आपको सिल्वर एंड ग्रे कलर की स्टिकरिंग मिल जाती है। इंडिकेटर्स की बात करें तो ये आपको हेलोजन के फ्लेक्सिबल टाइप के देखने को मिलते हैं। नीचे आपको बॉडी कलर में मड गार्ड मिल जाएगा। टायर्स यहाँ पर दोस्तों MRF के हैं, ग्रे एलॉयस के साथ। 240mm की आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी एंड जो कैलिपर्स हैं वो यहाँ पर बाइब्री के यूज़ किए गए हैं। टायर साइज़ की बात करें तो फ्रंट में आपको 18 इंचेस के ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएंगे। दोनों ही साइड आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं सस्पेंशन के। एंड सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको हाइड्रोलिक टाइप के सस्पेंशन दिए जाते हैं। तो लुक वाइज ये फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो चुकी है पहले के कंपेरिजन में। अब आते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। तो टैंक पर आपको सुपर स्प्लेंडर का 3D लोगो क्रोम में देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको व्हाइट कलर में एक्सटेक का स्टिकर मिल जाता है एंड उसके बगल में आपको ग्रे कलर की स्टिकरिंग मिल जाएगी व्हाइट लाइन के साथ, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है। नीचे की तरफ आते हैं तो इसमें आपको 124.7 cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक OHC एयर कूल्ड FI इंजन मिलता है। मैक्सिमम पावर 10.7 BHP की मिल जाएगी 7500 RPM पे एंड मैक्सिमम टॉर्क आपको 10.6 Nm का मिल जाएगा 6000 RPM पर। कैटालिटिक कन्वर्टर आपको यहाँ पे मिल जाता है। नॉर्मल ब्रेक पैड ही दिए जाते हैं। एडजस्टेबल राइडर फुटरेस्ट मिल जाएगा रबर पैडिंग के साथ। सेल्फ स्टार्ट के साथ यहाँ पर आपको किक स्टार्ट भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्रोम ट्रीटमेंट के साथ प्रोग्राम्ड FI की बैजिंग मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको न्यूली डिज़ाइन एग्जॉस्ट मिल जाता है एंड एग्जॉस्ट मफलर आपको क्रोम में ही दिया जाता है। पहले के कंपैरिजन में एग्जॉस्ट पतला हो चुका है। साइड पैनल पर भी आपको सेम ग्रे एंड वाइट कलर के ग्राफिक्स दिए जाते हैं। i3S का स्टिकर मिल जाएगा। रियर पैनल की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको हीरो का स्टिकर मिल जाता है। बाकी यहाँ से आप एग्जॉस्ट चेकआउट कर सकते हो। तो डिज़ाइन एकदम न्यू हो चुका है। पिलियन फुटरेस्ट भी यहाँ पर एडजस्टेबल मिल जाते हैं रबर पैडिंग के साथ। ब्रेक फ्लूइड फिलर भी दिया है जो कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम के लिए यूज़ होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसमें रियर डिस्क नहीं आता है। फ्रेंड्स, रियर सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक टाइप के सस्पेंशन मिल जाते हैं। 130mm का ड्रम ब्रेक मिल जाएगा। टायर्स पर आपको सिल्वर एंड रेड कलर के स्ट्राइप्स भी दिया जाता है जो कि स्पोर्टी फील देता है। रियर टायर साइज़ आपको यहाँ पर 90x90 18 इंचेस के देखने को मिलेंगे। एंड अब रियर प्रोफाइल की तरफ आते हैं तो वही हेलोजन इंडिकेटर आपको मिल जाएंगे एंड टेल लाइट भी दोस्तों यहाँ पर आपको हेलोजन की ही मिल जाती है। लाइट के नीचे आपको रिफ्लेक्टर दिया है एंड मड गार्ड भी मिल जाता है। पीछे का लुक कुछ इस तरह से आता है, आप देख सकते हो। एंड अब आते हैं दूसरी तरफ की साइड प्रोफाइल की तरफ। तो यहाँ नीचे आपको सारी गार्ड के साथ लेडीज़ फुटरेस्ट मिल जाता है कंपनी फिटेड। चेन कवर यहाँ पर दोस्तों आपको प्लास्टिक का दिया जाता है, तो चेन यहाँ पर आपकी गंदी नहीं होगी जल्दी जल्दी। एंड इधर भी आप चेकआउट कर सकते हैं, सेम वही ग्राफिक्स दिए जाते हैं। ग्रैप रेल दोस्तों यहाँ पर आपको ग्रे कलर में दिए जाते हैं जो कि सिंगल पीस में है एंड काफ़ी अच्छी बिल्ड के साथ आते हैं। पीछे भी आपको हीरो का स्टिकर मिल जाता है। अब सीटों की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सिंगल सीट मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा कुशनी है, जो कि आपको काफ़ी कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करने वाला है। तो इस बाइक से आप थोड़ी राइड्स वगैरह भी कर सकते हो। इधर के पैनल पर भी आप ग्राफिक चेकआउट कर सकते हो। सेम i3S का स्टिकर इधर भी मिल जाता है एंड क्रोम का ट्रीटमेंट इधर भी दिया है। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर भी मिल जाएगा जो कि सेफ्टी वाइज काफ़ी अच्छा फीचर है। 5-स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है। इंजन इस बाइक का दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एंड साइलेंट हो चुका है पहले के कंपैरिजन में, तो आप इसके साथ जा सकते हो। काफ़ी अच्छा इंजन यहाँ पर मिल जाएगा आपको। सुपर स्प्लेंडर का लोगो क्रोम में मिल जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है देखने में। आपको कैसा लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऊपर टैंक की तरफ आते हैं तो 12 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी। E20 के स्टिकर के साथ आपको एक्सपीरियंस गियर का नंबर दिया है, तो अब इस बाइक को आप फ्लेक्स फ्यूल से भी चला पाओगे जो कि 20% एथेनॉल एंड 80% पेट्रोल होगा। माइलेज आपको 60 से 65 तक की आराम से देखने को मिल जाएगी इकोनॉमी स्पीड पर। स्विच गियर्स की बात करें तो लेफ्ट साइड में आपको
पासिंग स्विच मिल जाता है। हाई बीम लो बीम के साथ इंडिकेटर एंड हॉर्न का स्विच मिल जाता है। वहीं स्प्लेंडर वाले स्विचेस हैं। राइट साइड के स्विचेस की बात करें तो यहाँ पर आपको I3S ऑन ऑफ स्विच के साथ सेल्फ स्टार्ट स्विच मिल जाता है। अब आते हैं मीटर कंसोल की तरफ, तो यहाँ पर आपको अब फुली डिजिटल कंसोल देखने को मिलता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ, जो कि स्प्लेंडर एक्सटेक में भी आता है। सेम वही मीटर है फ्रेंड्स। नीचे आपको मोड का बटन दिया है, जिससे आप अपना ट्रिप ए ट्रिप बी को सेट कर पाओगे। स्पीडोमीटर के साथ आपको ओडोमीटर मिल जाता है। राइट में आपको फ्यूल गेज के साथ रियल टाइम एवरेज मिल जाता है, तो आप अपनी राइडिंग स्टाइल से अपना माइलेज भी चेकआउट कर पाओगे। वार्निंग लाइट में साइड स्टैंड इंडिकेटर डीपर माल फंक्शन I3S न्यूट्रल एंड लो फ्यूल इंडिकेटर की लाइट मिल जाएगी। सर्विस रिमाइंडर भी दोस्तों इसमें मिल जाता है। एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर आपको SMS अलर्ट कॉल अलर्ट मिस कॉल अलर्ट के साथ फोन बैटरी लेवल डिस्प्ले दिया जाता है। तो इतने फीचर्स आपको इस बाइक में मिल जाते हैं। नीचे में आपको एक USB चार्जिंग का पोर्ट भी दिया है। डायमेंशन की बात करें तो इसके ग्राउंड क्लियरेंस आपको 180mm की मिल जाती है। व्हील बेस 1267mm की है एंड सीट हाइट आपको 793mm की मिल जाती है। टॉप स्पीड की बात करें दोस्तों तो ये आपको 105 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड दे देगी। एंड जो ऑन रोड प्राइस है दोस्तों इसकी प्रयागराज में, वो 1,02,000 से 1,03,000 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। तो यही थी दोस्तों इस बाइक की प्राइस। वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट्स में ज़रूर बताएँ। एंड ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।